हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग द हार्ली डेविडसन एक्सेसरीज। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है टू मेक अ वीडियो ऑफ माय हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 एक्सेसरीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई हैव द बाइक राइट बिहाइंड मी, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे खड़ी है मेरी स्ट्रीट 750 एंड हम आगे से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे पीछे तक जाते हैं। सो द फर्स्ट एक्सेसरी विच आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज़ द हेडलाइट। सो यहाँ पे मैंने हेडलाइट चेंज की हुई है। सो दिस इज़ अ एलईडी यूनिट जो ओरिजिनल आता है, दैट इज़ अ हैलोजन बल्ब, बट उतना पावरफुल मुझे नहीं लगा, सो आई वेंट फॉर LED unit, but this LED unit is not the original Harley Davidson Daymaker, because जो original Harley Davidson Daymaker आता है that comes somewhere around 30,000 rupees and this one is for close to 5,000 rupees. So this is you can call it as a first copy or a Chinese variant of the original light, but it solves the purpose and is good enough. So second जो चीज़ आगे से आप देख सकते हो, that is this windshield. So ये जो windshield है, this is a बुलेट प्रूफ विंडशील्ड एंड ये बुलेट प्रूफ है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ विंड प्रोटेक्शन। आई जस्ट सिट एंड शो इट टू यू। सो अच्छा खासा विंड प्रोटेक्शन देता है ये एंड आप देख सकते हैं दिस इज़ द हाइट, इतने हाइट तक ये प्रोटेक्ट करता है। तो पहले मुझे विंड ब्लास्ट का बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत इशू आता था व्हेन आई यूज़ टू गो ऑन दी हाईवेज। जैसे मैंने मेरा गोवा का ट्रिप किया था हाईवे पे, देयर आई कुडंट क्रॉस द स्पीड ऑफ 100 बिकॉज 100 के ऊपर जाते ही इतना विंड ब्लास्ट आता था, नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाता था एंड विंड की नॉइज़ आती थी, उससे ईयर में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत डिस्टर्बेंस होता था एंड आई कुड नॉट क्रॉस द स्पीड ऑफ 100। विद दिस विंडशील्ड इंस्टॉल्ड आई कैन ईजीली क्रूज अप टू 120-130 एंड इट रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ यू नो wind blast and there is no neck pain and there is less wind noise as well. So it solves the purpose and it is quite flexible if you can see. And the best part is this is a bulletproof windshield. So bulletproof ka fayda ye hai ki if there are trucks or any vehicle in front of you and uske piche tire se koi bhi stone ya koi cheez aapke towards hit hoti hai, so this will take the impact and it will not damage you or your vehicle. So this is quite flexible. Aur ek iski achhi baat ye hai that this is adjustable. So if you see यहाँ पे knobs दिए हुए हैं 1, 2 and there are knobs over here also. So you can open these and then you can adjust अगर आपको straight चाहिए या थोड़ा tilted चाहिए या you want to take it up or down. So it is completely adjustable, a very good windshield. So the approximate price of this windshield is close to 15,000. It is slightly expensive but it solves the purpose. Sasta leke koi matlab nahi hai and this is by National Cycles. So it is imported from USA. Coming on to the next accessory, yahan pe aap dekh sakte hain this is a engine guard or a crash guard. ये मैंने ओरिजिनल हार्ली का नहीं लगाया, ओरिजिनल हार्ली का भी आप लगा सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम अ कंपनी मोटोम्यू एंड यू कैन सी हाउ थिक इट इज़। अच्छा प्रोटेक्शन ये देता है एंड व्हाट आई वुड से इज़ इट इज़ अ मस्ट टू इंस्टॉल द इंजन गार्ड और द क्रैश गार्ड। अगर आपने मेरा गोवा का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप गोवा का ब्लॉग दीजिए, देखिए। आई पुट द कार्ड राइट हियर बिकॉज जब मैं गोवा जा रहा था देर वॉज अ इम्पैक्ट एंड डॉग आ गया था मेरे सामने, सो तब इसी ने मेरा पैर बचाया। यहाँ पे ये और ये बेंड हो गया था, नहीं तो उस समय मेरा पैर चला जाता। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट डे ही आपको इंजन गार्ड या क्रैश गार्ड अपनी बाइक पे लगा लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि लुक ख़राब हो जाएगा बाइक का, बाइक बल्कि दिखेगी, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बाइक गिरती भी है, जैसा खड़े खड़े भी अगर आप गिर जाती है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इट टेक्स द कम्प्लीट लोड और आपकी पूरी बाइक सेफ कर देता है। देन अगर आपने मेरा हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 का दूसरा वीडियो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आई पुट द कार्ड ओवर हियर, तो उसमें मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा इंजन गार्ड पे ऑक्स लाइट्स लगाई हुई थी। सो टेम्प्रेरी मैंने निकाल दी है ऑक्स लाइट को बिकॉज आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड। सो दोज ऑक्स लाइट्स वर रियली गुड एंड आई जस्ट ट्राई टू शेयर वन पिक्चर और अ वीडियो विथ यू हाउ द ऑक्स लाइट्स परफॉर्म।
ऑक्स लाइट्स आर रियली हेल्पफुल. आप उसको यहाँ इंजन गार्ड के यहाँ पे माउंट कर सकते हैं यहाँ से. सो देन द थ्रो इज़ गोइंग टू बी रियली नाइस. जो ऑक्स लाइट थी वो अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास है. नाउ आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड टू अ बेटर ऑक्स लाइट जो कि समवेयर अराउंड 20,000 आएगी. सो बहुत सारे लोगों ने JBL स्पीकर्स के बारे में पूछा था. सो द JBL स्पीकर्स आर स्पेसिफिकली मेड फॉर मोटरसाइकिल एंड वो जो स्पीकर्स है कम्प्लीटली वाटर प्रूफ स्पीकर्स है. उसके अंदर एक USB का आउटलेट भी दिया हुआ है. सो यू कैन यूज़ दैट आउटलेट टू चार्ज योर सेल फोन और चार्ज एनी ऑफ योर गैजेट्स. सो इट इज़ अ वेरी नाइस साउंड सिस्टम. बट अगर उससे भी अच्छा अगर आप साउंड सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो यू कैन परचेज द कुरियाकैन स्पीकर्स. बट कुरियाकैन स्पीकर्स ऑलमोस्ट डबल द प्राइस हो जाते हैं. यू कैन ऑल्सो बाय द हार्ली डेविडसन स्पीकर्स जो और भी महंगे हैं. सो इट इज़ अपॉन यू. बट आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट गो फॉर कुरियाकैन स्पीकर्स बिकॉज JBL के स्पीकर्स में मेरा थोड़ा इशू आ गया था एंड आई हैव सेंड दोज फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी. बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे वो JBL का साउंड सिस्टम कहाँ से लिया है और कितने का है. सो फॉर ऑल दोज गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वो जो साउंड सिस्टम है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया. मैंने वो कैनेडा से परचेस किया था एंड दैट वॉज क्लोज टू 15,000 रुपीज़. इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक लिस्ट बना दूंगा विद ऑल द एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड एंड उसके साइड में अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग भी डाल दूंगा. आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कि कहाँ से आप भी ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं. सो इट विल बी रियली ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू. सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लगाया है मोबाइल माउंट. सो ये एक मोबाइल माउंट है जिसको आप मोबाइल लगा के इसको क्लोज कर सकते हैं. सो मोबाइल माउंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको GPS देखना है. सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. एंड ये जो मोबाइल माउंट है दिस इज़ फॉर समवेयर अराउंड 1500 रुपीज़ एंड इट इज़ क्वाइट स्टर्डी. सो आई वुड रिकमेंड यार दिस इज़ अ वेरी गुड मोबाइल माउंट. देन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लगाए हुए हैं मिरर एक्सटेंडर्स. सो यहाँ पर मिरर एक्सटेंडर्स है बिकॉज ओरिजिनली जब बाइक मिली थी तो मेरे को पीछे मिरर्स कुछ नहीं दिखता था, मुझे खाली मेरे शोल्डर्स दिखाई देते थे. सो आई इंस्टॉल्ड दीज एक्सटेंडर्स विच वर समवेयर अराउंड 700-800 रुपीज़ एंड इट सॉल्व द पर्पज़. इट इज़ वेरी स्टडी एंड पीछे एकदम क्लियर व्यू दिखता है. सो अगर आपको भी प्रॉब्लम है सो यू शुड ट्राई आउट द मिरर एक्सटेंडर्स. देन कमिंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने पिलियन के लिए फुट पैक्स लगाए हुए हैं, थोड़े बड़े लगाए हुए हैं. दीज आर अगेन फोल्डेबल, यहाँ पे से फोल्ड हो जाते हैं. सो दीज आर दी ओरिजिनल फुट पैक्स फ्रॉम हार्ली एंड यू कैन सी इतने छोटे हैं, ये इतना है. एंड इफ़ यू कंपेयर दिस सो दिस इज़ क्वाइट ब्रॉड एंड इससे क्या हो जाता है, पिलियन को कम्फर्ट मिल जाता है बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड दैन पिलियन विल बी रियली हैप्पी. एंड ये जो फुट पैक्स मैंने लगाए हैं दीज आर समवेयर क्लोज टू 3,000 or 4,000 रुपीज़. इफ़ यू बाई द ओरिजिनल हार्ली फुट पैक्स इट विल कम समवेयर अराउंड 10,000 to 15,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन विच वन यू सेलेक्ट. सो मैंने अगेन ये ऑल्टरनेटिव लगा लिया है एंड इट इज़ क्वाइट स्टडी. आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट वन ईयर एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वेरी स्टडी एंड आप देख सकते हो ये फोल्डेबल है. इट सॉल्व्स द पर्पस. सो अननेसेसरी मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए हैं. आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि यार हार्ली के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लगाए, बट सी आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी. एंड ऐसा नहीं है कि हार्ली के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ली ब्रांड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. एंड अगर मेरे पास उतने पैसे होते तो डेफिनेटली आई वुड ऑल्सो हैव गॉन एंड यू नो परचेज दोज प्रोडक्ट्स. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेसरी और यू कैन कॉल इट एज द मॉडिफिकेशन. जब आप बहुत लंबी राइड करते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी विद द सीटिंग बिकॉज इसकी जो सीट है काफ़ी सॉफ्ट है. एंड पिलियन के लिए अगर आपने देखी होगी तो सीट बहुत ही छोटी आती है ऑन द स्ट्रीट 750. सो यहाँ पे मैंने सीट को भी मॉडिफाई कराया हुआ है या चेंज कराया हुआ है. ये मैंने एक लोकल वेंडर जो मुंबई अंधेरी में है, सीट मेकर जो है, वहाँ से करवाया हुआ है. आप कोई भी सीट वाले के पास जा सकते हैं, आपका डिज़ाइन दिखा सकते हैं या उसको पूछ के यू कैन मॉडिफाई द सीट. आई जस्ट शो यू अराउंड कि सीट कैसी है. सो दिस इज़ फॉर द राइडर एंड दिस इज़ फॉर द पिलियन. यू कैन सी कितना ब्रॉड कर दिया है. जो ओरिजिनल था वो बहुत ही छोटी सीट आती है. सो इट हैज़ सॉल्व्ड द पर्पस. एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है सीट मॉडिफाई करते वक्त कि आपके हाइट एंड आपके वेट के हिसाब से सीट डिज़ाइन होनी चाहिए. अगर आपने सीट प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं की तो सीट आपकी ऊपर आ सकती है, उसकी वजह से आपका हाइट बढ़ जाएगा एंड देन इट विल अफेक्ट योर राइडिंग और द सीटिंग पोस्चर. ऐसा अगर हो गया तो देन यू विल हैव टू इंस्टॉल द हैंडल बार राइजर्स टू करेक्ट द पोस्चर. सो ये बात आप ध्यान रखो कि जब आप सीट मॉडिफिकेशन कर रहे हो आप सीट की हाइट को ज़्यादा ना बढ़ाएं. बहुत लोग क्या करते हैं कि सीट का फोमिंग बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं एंड देन सीट की
सीट हाइट इंक्रीज हो जाती है एंड देन इट विल चेंज द कंप्लीट राइडिंग पोस्चर ऑफ योर मोटरसाइकिल। पीछे की भी मैंने फोमिंग ऐड की है, थोड़ी पीछे फोमिंग ऐड करने से ये हो जाता है कि जो पीछे बैठा है उसका हाइट इंक्रीज हो जाता है एंड उसको लेग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो दैट यू कैन अगेन मैनेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं तो दिस इज़ अ पार्किंग कवर, ये पोर्टेबल पार्किंग कवर है जो इसी में अटैच रहता है एंड अगर आप इसको पुल करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कवर निकल गया एंड देन इट कवर्स योर कंप्लीट मोटरसाइकिल। और यहाँ पे देयर इज़ अ नॉब, आप इसको घुमाइए सो ये पूरा कवर अंदर चला जाएगा। तो ये जो पार्किंग कवर है ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, इट वॉज समवेयर क्लोज टू 1000 रुपीज़। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस प्रोडक्ट। एंड ये छोटा सा प्रोडक्ट बहुत 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 काम का है बिकॉज हार्डली जैसी आप बाइक कहीं भी आप लेके जाते हैं, कोई भी मॉल है या कोई भी लोकल सिटी में, आप कहीं पे भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। सो इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, मैं कहीं भी जाता हूँ आई जस्ट पुट द कवर ऑन माई बाइक एंड देन इट ड्रॉज नो अटेंशन बिकॉज यू ऑल नो कि हार्ली बहुत अटेंशन ग्रैप करती है एंड देन आई डोंट वॉन्ट किड्स टू कम एंड यू नो जस्ट सिट ऑन द बाइक क्लिक फोटोज एंड कहीं कुछ एक्सीडेंट या मिसहैप ना हो जाए। सो दैट कीप्स योर बाइक सेफ फ्रॉम इंट्रूडर्स। देन लेट्स कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बाइक। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो देर इज़ अ बैकरेस्ट यूनिट, यहाँ पे नीचे है इसका टॉप रैक एंड टॉप रैक के ऊपर मैंने बेस प्लेट लगाई हुई है एंड आई हैव माउंटेड अ शैड 29 लीटर्स टॉप बॉक्स। सो ये जो शैड का टॉप बॉक्स है ये काफ़ी यूजफुल है, देर इज़ अ सिंपल बटन यहाँ पे, इफ़ यू प्रेस दिस बटन ये टॉप बॉक्स बाहर निकल जाता है एंड देन यू कैन कैरी दिस टॉप बॉक्स टू योर होम। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिटैचेबल, आई विल जस्ट कीप इट हियर एंड दिस इज़ द बेस प्लेट। इसके नीचे आप देखोगे तो देर इज़ अ टॉप रैक। सो ये टॉप रैक और ये बैकरेस्ट एक सिंगल यूनिट है। अगेन दिस टॉप रैक एंड बैकरेस्ट इज़ फ्रॉम मोटोम्यू, यू कैन अगेन बाय इट फ्रॉम हार्डी ऑल्सो बट इट इज़ अगेन गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड आई विल शो यू द टॉप बॉक्स नाउ। इज़ द टॉप बॉक्स एंड देर इज sufficient space to keep one full face helmet and some normal things. One thing which I would recommend is बहुत लोग बहुत बड़े बड़े टॉप बॉक्स लगा लेते हैं, do not do that because वो आपके बाइक के डायमेंशन से बाहर आता है, it might also affect the aerodynamics of your bike. So आप मिनिमम साइज़ का टॉप बॉक्स यूज़ करिए या इतना साइज़ का करिए जो आपके बाइक के width से बाहर ना जाए। For carrying any luggage on my motorcycle when I go on the trips, मैं use करता हूँ saddle bags. So यहाँ पर because of the guards, आपको कोई भी और saddle stays लगाने की ज़रूरत नहीं है. This is a very good thing on the Harley Street 750. You can directly mount your saddle bags. So I use those saddle bags when I go on the long trips and I use a small 15 liter tank bag जो कि यहाँ पर tank पर easily mount हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत बड़ा टैंक बैग ना यूज़ करें बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा टैंक बैग यूज़ करते हैं तो फिर देन हैंडल का मोमेंट जब आप यू टर्न मार रहे हो या बाइक को मनूवर कर रहे हो तब वो प्रॉब्लम आती है, वो बैग पे अटकता है देन इट यू नो डिस्ट्रैक्ट्स यू कम्प्लीटली। सो अवॉइड यूजिंग अ वेरी बिग वेरी लार्ज टैंक बैग 30 लीटर्स या 28 लीटर्स, इतना बड़ा मत यूज़ करिए। आई थिंक 15 to 20 लीटर्स शुड बी द आइडियल और द राइट साइज़। एंड अगर आप मैग्नेटिक टैंक बैग यूज़ कर रहे हो तो मैग्नेटिक टैंक बैग के को रखने से पहले आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखो, सो ये करने से आपके टैंक पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे एंड योर टैंक विल बी शाइनिंग एज ऑलवेज। सो सारा लगेजेस माउंट करने के बाद इफ़ योर टैंक बैग इज समवेयर अराउंड 15 लीटर्स, इफ़ योर सैडल बैग्स आर 30 plus 30 60 लीटर्स एंड योर टॉप बॉक्स इज समवेयर अराउंड 29-30 लीटर्स, सो ओवरऑल इट कम्स टू अराउंड 100 लीटर्स विच इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर टू पीपल फॉर अ राइडर एंड पिलियन। अगर आप एक सिर्फ राइडर है तो आई थिंक सैडल बैग्स विल बी मोर देन सफिशियंट या यू कैन कैरी अ टॉप बॉक्स एंड अ टैंक बैग, सो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। सो जो सैडल बैग्स मैंने परचेज़ किए हैं वो समवेयर अराउंड 3500 के हैं एंड जो टैंक बैग मैंने परचेज़ किया है वो अराउंड 2500 के आसपास का है। आई विल शेयर द लिस्ट विथ यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। और एक चीज़ जो मैंने मेरे बाइक के लिए खरीदी है दैट इज़ दिस विच इज़ अ शेड और कवर्ड पार्किंग, पोर्टेबल पार्किंग एंड मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो देर इज़ सफिशियंट स्पेस इन साइड, यहाँ पर आपका टायर आता है, इसके ऊपर आप टायर रखो एंड
एंड आप देख सकते हैं मैं खड़ा भी हूँ यहाँ पे, मेरा हाइट अराउंड 5'10" है, सो इट्स देर इज़ सफिशेंट स्पेस एंड यहाँ पे यू कैन कीप योर बाइक सेफ। सो ये मैंने परचेज़ किया है समवेयर अराउंड 9,000 रुपीज़ के लिए, एंड लास्ट एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि आप ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लोज इट फॉर नाउ। I'll share the list of accessories which I have on my bike as well as the contact details from where you can purchase these. सो अगर आपको भी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चंस है, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा होगा, सो डू हिट द लाइक बटन। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप सून। सी यू सून गाइज़।